गुड मॉर्निंग 9th क्लास, आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ एट होम। सो इन आर प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड फ्यू सेपरेशन टेक्निक्स। टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द प्रीवियस वन। सो इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट क्रोमेटोग्राफी, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन टुडेज क्लास आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर, आपको याद होगा तो मैंने बोला था कि एयर से अगर हमें ऑक्सीजन लेनी है या कोई भी और गैस उसमें से निकालनी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दिस इज़ अ सिंपल फ्लो चार्ट। सो एयर, एयर को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। जब हम किसी भी चीज़ को कंप्रेस करते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर तो वो गर्म हो जाती है। उस गर्म चीज़ को ठंडा करने के लिए ऑब्वियसली आपको टेम्परेचर उसका डिक्रीज़ करना है। जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं और कम करते हैं, जिसकी वजह से एयर जो है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही एयर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, उसको थोड़ा सा वार्म करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में डाला जाता है, जहाँ पर वो डिफरेंट डिफरेंट अपने टेम्परेचर्स के हिसाब से सेपरेट कर ली जाती है। फाइन, एज यू कैन सी बॉइलिंग पॉइंट जो ऑक्सीजन का है -83 है, आर्गन -186 एंड नाइट्रोजन -196। फाइन, सो लेट सी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस टेक्निक। दिस इज प्रॉपर टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉम्पोनेंट्स। सी, फर्स्ट वन इज़ अ फिल्टर, जहाँ से एयर फिल्टर होकर पास होती है। उसके बाद वह जाती है प्रेशर जोन में, एयर प्रेशर जोन में, जहाँ पर जो पिस्टन्स हैं, दीज पिस्टन्स, इसके अंदर एयर फिल करके इस पिस्टन से इसको कंप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। जैसे ही इसको प्रेशराइज करते हैं, प्रेशराइज करने से वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगती है, गर्म हो जाती है। गर्म होने के बाद उस एयर को ठंडा करने के लिए बहुत ही ठंडा पानी इस कंटेनर्स में से पाइप्स के थ्रू पास किया जाता है, जिससे कि ये हॉट एयर ठंडी हो जाए और कंडेंस होकर लिक्विड फॉर्म में चेंज होने लगे। कोल्ड कंप्रेस्ड एयर नेक्स्ट कंपार्टमेंट में मूव हो जाता है, जहाँ से ये सेपरेटर में जाता है। सेपरेटर से ये सबसे पहले जो गैस सेपरेट होती है, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि सॉलिड फॉर्म मींस ड्राई आइस के फॉर्म में अलग कर ली जाती है। उसके बाद जो लिक्विड एयर है वो एक्सपेंशन जेट में जाता है और वहाँ पर दूसरे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में जाता है, जहाँ पर सबसे ऊपर नाइट्रोजन गैस को निकाल लिया जाता है, आफ्टरवर्ड्स आर्गन। जैसे ही नाइट्रोजन एंड आर्गन को निकाल लिया जाता है, जो लेफ्ट ओवर गैस है दैट इज ऑक्सीजन। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। नाउ नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक इज क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेथड टू प्योरीफाई सॉलिड्स। मींस अगर आपके पास एक सॉलिड है और हमें पता है कि वो इतना प्योर नहीं है, तो उसे प्रॉपरली क्लीन करने के लिए, प्रॉपरली प्योर फॉर्म लेने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड को यूज़ करते हैं। ये जनरली यूज़ किया जाता है सी सॉल्ट को प्योर फॉर्म में निकालने के लिए। आपने कभी भी सॉल्ट को अगर देखा हो तो बहुत शाइनी होता है, सो दैट इज़ इन क्रिस्टल फॉर्म। ओके, सो क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस दैट सेपरेट्स अ प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फ्रॉम अ सॉल्यूशन। क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें प्योर सॉलिड्स निकाले जाते हैं फ्रॉम द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। सिंपल प्रोसेस है, जैसे इवेपोरेशन का ही थोड़ा सा एडवांस वर्जन है। इवेपोरेशन में क्या होता है, सिर्फ वॉलेटाइल लिक्विड जो होता है, जो वेपराइज हो सकता है, सिर्फ वही चीज़ सेपरेट होती है, लेकिन जो लेफ्ट ओवर सॉलिड बच जाता है, जो सी से सॉल्ट मिलता है, वो 100% प्योर नहीं होता है। तो उसको वापस से वॉश करके उसे दोबारा से क्रिस्टलाइज किया जाता है, ताकि प्योर फॉर्म ऑफ सॉल्ट मिल सके। फाइन, क्रिस्टलाइजेशन आई थिंक आपने क्लास 7th में देखा होगा, कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन किया था। बट इफ़ यू वॉन्ट टू सी, इट्स अवेलेबल ऑन इंटरनेट एज वेल, बिकॉज कॉपर सल्फेट हमारे पास यहाँ नहीं है। अदरवाइज इसकी बहुत सिंपल सी टेक्निक है। कॉपर सल्फेट को आप मिक्स करेंगे एक लिक्विड में, जनरली उसे थोड़ा सा बॉईल करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, जब तक उसमें कॉपर सल्फेट डाला जाता है, जब तक उसमें वो डिसॉल्व होना बंद ना हो जाए। उसके बाद आप उसे फ़िल्टर पेपर से नॉर्मली फ़िल्टर करेंगे, और जो भी आपके पास
फिल्ट्रेट होगा, जो भी लिक्विड आपको मिलेगा उसे आपने किसी भी ओपन कंटेनर या फिर चाइना डिश में फिल करके अप्रॉक्सीमेटली 24 आवर्स के लिए रखना है, वाटर जो है एवेपोरेट हो जाएगा एंड यू विल बी गेटिंग प्योर क्रिस्टल्स। ओके, सो व्हाट आर द यूजेस और एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट में यूज़ किया जाता है, सी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, बेसिकली सी सॉल्ट को प्योरीफाई एंड क्लीन करने के लिए। इसके अलावा एल्म, फिटकरी, फिटकरी की क्रिस्टल्स निकालने के लिए भी यूज़ किया जाता है। फिटकरी एल्म जो है वो बहुत अच्छा एक मटेरियल है जो कि क्लीनिंग में यूज़ किया जाता है, जनरली लोडिंग प्रोसेस कहते हैं उसको। सो विच वन इज़ बेटर? मैंने बोला आपको इवेपोरेशन का ही थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है क्रिस्टलाइजेशन, तो क्या बेटर है? सो क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ बेटर टेक्निक, बट हाउ, कैसे? कुछ सॉलिड्स जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं अगर हम इवेपोरेशन की बात करें। अगर आप सोच रहे हैं अच्छा हमने पानी में चीनी को घोला है और अगर हम उसे हीट करेंगे तो हमें शुगर मिल जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। आपने कभी भी देखा हो तो वो चीनी जो है वो चैरल्ड हो जाती है, चिपक जाती है, काली हो जाती है, तो आपको वो वैसे फॉर्म में नहीं मिलती है। तो उस शुगर को वापस लाने के लिए वी कैन यूज़ क्रिस्टलाइजेशन। सेकेंडली, कुछ इम्प्योरिटीज़ ऐसी होती हैं जो अगर इवेपोरेशन हो जाए और हम फिल्ट्रेशन कर लें तब भी नहीं निकल सकती, बट वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बहुत आराम से रिमूव की जा सकती है। नाउ दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन एंड इवेपोरेशन को ही यूज़ करते हुए, इन दो टेक्निक्स को यूज़ करते हुए, कहाँ यूज़ करते हैं? बेसिकली वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें पानी को, जो सीवेज होता है, जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है लिक्विड में डिजॉल्व, उसको कैसे साफ करेंगे? क्रिस्टलाइजेशन और एवेपोरेशन से। सो हाउ वी कैन डू इट? फर्स्ट, दिस इज रिजर्वॉयर, जहाँ से पे सारा का सारा पानी, गंदा पानी जो स्टोर किया जाता है। स्टोर करने के बाद यहाँ पे बैरियर्स लगे होते हैं, बेसिकली बार स्क्रीन लगी होती है, जिससे जो सॉलिड वेस्ट है वो निकल जाएगा, जो फ्लोटिंग सॉलिड वेस्ट है वो निकल जाएगा। फिर इसको फर्स्ट कंटेनर में डालेंगे, 24 आवर्स के लिए छोड़ दिए जाते हैं, सेडिमेंटेशन टैंक्स होते हैं। सॉलिड वेस्ट जो है नीचे बैठ जाएगा, ऊपर से पानी नेक्स्ट कंटेनर में जाएगा, यहाँ भी सेडिमेंटेशन होगा, इम्प्योरिटीज़ को हटाया जाएगा। सस्पेंडेड, जो जो इम्प्योरिटीज़ तैर रही होंगी सिर्फ वो। उसके बाद इसको दोबारा से सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में डाला जाता है, जहाँ पर वाटर अलग हो जाता है, फाइन सैंड, बहुत बारीक सैंड वो अलग हो जाता है, ग्रेवल थोड़ा कीचड़ टाइप जो होता है, एंड कोर्स ग्रेवल जिसमें कंकड़ पत्थर होते हैं वो निकाल लिया जाता है। इसके बाद जो है इस प्रोसेस में पानी की जो दिखने वाला है स्टेट, मतलब पानी साफ दिखने लगता है बट वो एग्जैक्टली क्लीन नहीं होता, उसमें जर्म्स होते हैं। उन जर्म्स को क्लीन करने के लिए उन्हें क्लोरीनेशन टैंक में डाला जाता है, जहाँ पे क्लोरीन डाला जाता है या फिर यूवी रेडिएशन से ट्रीट करते हैं, जिससे बैक्टीरिया एंड जर्म्स मर जाते हैं और वाटर जो है फिट हो जाता है होम्स में सेंड करने के लिए। फाइन, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास। प्लीज़ टेक नोट्स केयरफुली, ट्राई टू अवॉइड यूज़ ऑफ कलर्स, स्पेसिफिकली स्केच पेन्स। सो ट्राई टू सबमिट योर असाइनमेंट्स एंड योर नोट्स ऑन द सेम डे ऑफ योर क्लास। थैंक यू एंड टेक केयर।